इस वक्त की एक और बड़ी खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां मलबे से मजदूरों की निकालने का काम लगातार चल रहा है। मजदूरों की तलाश की जा रही है। 15 से 20 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहाड़ के मलबे को हटाने के काम में लगी हैं। मलबे के अंदर से अब तक 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोगों को मलबे से जिंदा भी निकालने में कामयाबी मिली। कई और लोग जो घायल हैं अस्पतालों में भर्ती हैं। भिवानी जिले के तोशाम एरिया में अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धरक गया और सैकड़ों टन मलबा नीचे आ गिरा और उसके नीचे बहुत सारे लोग दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तोशाम एरिया में लंबे वक्त से खनन का काम बंद था, लेकिन 2 दिन पहले खनन फिर से शुरू किया गया था। यह हादसा शनिवार की सुबह हुआ था। खनन के दौरान अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। मजदूरों के साथ साथ पहाड़ खोदने में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनें मलबे के नीचे दब गईं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का राहत और बचाव का काम का अभियान चला। मलबे के अंदर से कुछ और डेड बॉडी निकलने की आशंका जाहिर की जा रही। भिवानी में हुए हादसे के मामले में विपक्ष ने सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह दुर्घटना नहीं हत्या है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि नियम तोड़कर माइनिंग हो रही थी, खनन से कई रसूखदार लोग जुड़े हुए हैं और इस मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। खनन सारे कायदे कानून और नियमों को तोड़ते हुए ये खनन कार्य किया जा रहा था, ये बातें सामने आ रही हैं। इस खनन के पीछे बहुत कई बड़े व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि ये दुर्घटना नहीं एक तरह से हत्या है, इस पर आपराधिक मामले भी दर्ज हों और साथ में जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जांच हरियाणा के हरियाणा पुलिस से जांच से किसी की संतुष्टि नहीं होगी। निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग किसी जज की निगरानी में जांच हो, ऐसी मैं मांग करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।